सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ केविस पीजीटी फिक्स 2018। क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 0.300 किलोग्राम इज अटैच्ड टू फिक्स सपोर्ट थ्रू अ लाइट कोड ऑफ 0.900 मीटर। द स्फीयर इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर। द स्फीयर इज रिलीज द टेंशन इन द कोड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज। देखो यहाँ पर कोई स्फीयर है और उसको शुरुआत में हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, फिर इसको ड्रॉप कर रहे हैं। जब ये ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें पूछा गया है कि जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएगा तो इसमें टेंशन कितनी होगी। वैसे टेंशन इसकी अपवर्ड होगी, ठीक है, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो मैं टेंशन का पहले एक फॉर्मूला बनाऊंगा, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप जब ये स्फीयर यहाँ पर आ जाएगा तो इसका एम जी यानी कि वेट नीचे की तरफ होगा और टेंशन ऊपर की तरफ, और क्योंकि एक सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो कि बराबर होगी एम वी स्क्वेयर अपॉन जो लेंथ है इसकी, मतलब जो रेडियस होगा यहाँ पर वो लेंथ ही होगी, तो नीचे आ जाएगा एल। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा टेंशन जो कि अपवर्ड फोर्स है माइनस एम जी, ठीक है। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसी से हम निकालेंगे अभी टेंशन। अब ये वी क्या है? वी है लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने वी ली है। तो टेंशन को हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू ये एम जी उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एम जी प्लस में एम वी स्क्वायर अपॉन में एल। आप यहाँ से एम को कॉमन भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा जी प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में एल। अब देखो हमें एम पता है, जी पता है, लेंथ भी पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता। तो अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब ये पार्टिकल अपने पीक पॉइंट पर है तो यहाँ पर इस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम लिखेंगे एम जी, और जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, अगर हाइट को कंपेयर करो तो हाइट इसकी लेंथ की बराबर होगी, ठीक है, तो एम जी एल आप लिख सकते हो उसको। तो जब ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम ये कह सकते हैं, और शुरुआत में रुका हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी का किसके बराबर होता है? वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन शुरुआत में ए पॉइंट पर तो ये रुका हुआ है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? जीरो। लेकिन इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी एल के बराबर, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। अब बी पॉइंट पर जब वो आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी और इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये इसकी मिनिमम मिनिमम हाइट कह सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ का ये जो पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके कंपैरिजन में हमने देखा कि लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है, तो इसलिए लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमने ले लिया जीरो। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम से एम कैंसिल होगा तो टू जी एल इक्वल टू किसके आएगा? वी स्क्वायर के। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो एम जी प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एल अपॉन में एल, एल से एल कैंसिल आउट होगा, आप यहाँ से जी कॉमन ले ले, जी कॉमन आएगा तो एम जी वन प्लस में टू यानी कि जिसको आप 3 mg भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट कितनी आ गई? 3 mg, यानी कि लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब हमने ऐसा फॉर्मूला बना लिया कि जो मास और जी के टर्म में हो। अब टेंशन निकालते हैं तो टी इक्वल टू 3 × में एम की वैल्यू कितनी है? 0.300, और जी की वैल्यू 10 नहीं गिवन है तो उसको लेना नहीं है, हमें 9.8 ही लेने होते हैं जब जी की वैल्यू नहीं दी हो तो यहाँ पर लिखेंगे 9.8। तो जब आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8.82 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें एक्चुअली ये फॉर्मूला पूछ लिया था, चार ऑप्शन दिए थे टेंशन के अलग अलग, तो उसमें ये फॉर्मूला गिवन था, वो भी केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017 का ही क्वेश्चन था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 2017 और 18 में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन थे और एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर करके जाने हैं अगर आप किसी भी एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो।